बताओ आपका नाम? सोमनाथ महाराष्ट्र कमल। आप भी आप साथ में हो क्या? नहीं हो। देखो आप दोनों अलग अलग हो, यहाँ पे लोग अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, वो किसी स्टेट से, देश के कोने कोने से और देश के बाहर से भी आते हैं। आपने देखा होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में। मुझे ये बताइए एशिया टेलीकॉम को ही क्यों सिलेक्ट करना पड़ा? क्यों आपने सोचा कि मैं अपना पैसा वहां लगाऊं और मैं कम दिन के कोर्स ना करके एक बड़ा दिन के कोर्स करूं, ऐसा क्यों फील हुआ? मतलब आपको डीपली लेवल पे सीखना था, ये आपने सोचा था? आपको देखो 10 दिन का भी हो रहा है, आजकल ऑनलाइन भी हो रहा है, तो आप यहाँ 30 दिन क्यों करने आए? यहाँ पर क्या रीजन था आपके? आप पूरा महीना बिताने आए 25 से 25 दिन? टोटल सगळे नॉलेज आपल्याला घेतले पाहिजे ना, इसलिए आए। अभी कैसा फील हो रहा है यहाँ पर? अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। आपने काम किया लाइव प्रैक्टिकल? ब्लैक पेस्टेड की बात करें या कोई अगर कोई फोन आए फॉल्टी आए, फ्लैशिंग करना है या फ्लैशिंग के बाद भी कोई एरर आता है उसको हमें बनाना है, जिसको हम UFI से हम बोलते हैं ना कि कनेक्ट करके प्रोग्रामिंग करना है, तो वो अपन कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। यहाँ पर स्कीमेटिक रीड करना कि एक रिंगर आईसी के अंदर के कौन सी EN सिग्नल जाएगा, सब ये हो सकता है अपन से। कोई इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करे तुम्हारे क्षेत्र से, मुझे बताओ नया कोई? नॉलेज भेटत आहे त्यामुळे इथं ज्वाइन केलं तर चांगलं आहे, सिक्युरिटी रिसर्च वगैरे। तो ये हमारे साथ एक स्टूडेंट और हैं, और आप कहाँ से अपना नाम बताइए? सर मेरा नाम रवि, मैं चंडीगढ़ से हूँ। आप चंडीगढ़ से इतनी दूर एशिया टेलीकॉम जबलपुर ज्वाइन की क्यों? सर क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं काफ़ी सालों से मैं सर की वीडियो देखता हूँ, आपकी भी वीडियो देखता हूँ, सब से रिलेटेड जो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो मुझे और जगह सिर्फ सोल्यूशन मिलते हैं पर मुझे यहाँ पे एंडलेस सोल्यूशन मिल रहा है। तो यूट्यूब पे सारा सोल्यूशन अगर मिल जाता तो क्या आप ऐसा टेलीकॉम ज्वाइन करते क्या? या कम समय में आपसे कोर्स कराया जाता या 10 दिन या ऑनलाइन, तो आप क्या सीख पाते क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं सीख पा रहा। मैंने स्टूडेंट्स के रिव्यू देखे हैं, मैंने वो रिव्यू भी देखे हैं और उनके जब सर्किट डायग्राम वो बनाते हैं और जैसे भी देखते हैं, तो वो चीज मुझे सीखनी थी। लाइव जो आप लाइव देखते थे कि स्टूडेंट लाइव सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, आपने भी बनाया कि नहीं बनाया? बिल्कुल सर मैंने भी बनाया। आपको भी किसी भी सेक्शन का डायग्राम दे दिया जाए तो आप उसको जैसे बोर्नियो हो या चाहे UFI हो, आप उसे प्रोग्रामिंग विदाउट बोर्नियो भी हम खुद का अपना सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, हम अपना सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो ये अपने दिल से बोल रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है? दिल से जो चीज मैंने देखी थी वो चीज मैंने पाई भी है, उसे 10 गुना ज्यादा पाई। तो यही चीज जो आपको देख रहे हैं क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर जो सीखना चाहते हैं, जिनके अंदर वो जुनून है सीखने का, जो चाहते हैं कि एंडलेस सॉल्यूशन चाहिए, तो वो जरूर यहाँ पे ज्वाइन करें, उन्हें अच्छे से अच्छे नॉलेज मिलते हैं और वो आगे जाके बहुत अच्छा। ये तो थ्योरी और प्रैक्टिकल अगर बात की जाए तो केवल आपको थ्योरी बता के बताई गई है कि आपको प्रैक्टिकल नहीं सिखाया? थ्योरी के साथ हमें स्कीमेटिक डायग्राम भी समझाया गया है, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिकल भी समझाया गया, मतलब हमें तीनों चीजों से समझाया गया, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम अगर ब्लैक पेस्टेड, क्योंकि आज जो अनलॉकिंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको एमएससी या तो डायरेक्ट ISP पिन आउट करना होता है, तो जो फोन के ISP पिन आउट नहीं है ब्लैक पेस्टेड होता है, तो आपको डर लगेगी क्या? नहीं सर बिल्कुल, या आप अनलॉकिंग में फोन को डेड कर देंगे क्या? नहीं सर बिल्कुल नहीं, डेड का तो रिस्क कोई है ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो क्या बोलना चाहेंगे आने वाले स्टूडेंट के लिए? मैं बोलना चाहूंगा कि आइए, बिल्कुल आइए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप यहाँ से सीख के जाओगे, अगर आपके अंदर भी वो जुनून है सीखने के लिए तो आप बहुत अच्छा सीखोगे। चलिए थैंक यू।